अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीर खान आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर कोहिस्तान से दे रहे हैं। ये आप देख भी सकते हैं कि कोहिस्तान में ये चार पांच जवानों को आप देख सकते हैं कि जब सैलाबी रेला आया तो ये एक पत्थर पे चढ़ गए अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कि कोई आएगा इनको रेस्क्यू यहाँ से करेगा, इनकी ज़िंदगी ये बचाएगा। और ये एक पत्थर पे, बड़े पत्थर पे ये खड़े हो गए और किसी का इंतज़ार करने लगे कि कोई मसीहा आएगा हमारी ज़िंदगी बचाएगा। लेकिन इसके साथ बाद में ऐसा हुआ कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि ये लोग हैं, इनके हाथों में तारे हैं कि ये किसी ना किसी तरीके से ये सैलाबी रेले से बच जाएं और ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे इनकी ज़िंदगियाँ बच जाएं। लेकिन इनके साथ इतनी अंधोनाक वाकया पेश आया कि ये पांचों के पांचों जो दोस्त थे, ये जो खड़ी, इन लोगों को भी आप दे सकते हैं कि ये लोग भी इनको देख रहे हैं किसी तरीके से इनकी जान बचाई जा सके। लेकिन इनके साथ ऐसा वाकया रुनुमा हुआ कि ये पाँचों के पाँचों देखते ही देखते ये सैलाबी रेले ने उनको अपनी आगोश में ले लिया और इनकी ज़िंदगियाँ निकल गया। ये जो तस्वीरें हैं ये लाइव फुटेजेस हम आपको कोहिस्तान से बता रहे हैं कि ये कोहिस्तान का इलाका है जहाँ पे आप देख सकें सैलाबी रेला एक साइड पे जा रहा है और उसके दरमियान एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसी पत्थर पे पांच जवान खड़े हुए हैं जो कि अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी की भीख किसी से मांग रहे हैं कि कोई आए, कोई मसीह आए जो हमारी ज़िंदगी हमें बचा के दे दे, हमें यहाँ से निकाल ले। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि इनकी ज़िंदगियाँ, ये पानी, ये सैलाबी रेला निकल गया और लोग खड़े हुए थे, लोग इनको, इनके अजीज़ अकारिब इनको देख रहे थे कि कोई आए, कोई इनको रेस्क्यू करे। लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं आए, ना इंतज़ामिया की जानिब से, ना इंतज़ामिया आई हरकत में आई, ना और कुछ। ये आप देख सकते हैं पत्थर पे एक नौजवान अभी भी है, अभी भी वो इंतज़ार कर रहा है कि कोई आए। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि सैलाबी रेले ने उसे भी अपनी आगोश में लिया, उसे भी निगल लिया।